स्वागत है आपका मीना की आवाज YouTube चैनल पर और आज हम बात करेंगे कप्तान छुट्टन लाल मीणा के बारे में। मीणा समाज को अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल कराने के पीछे छुट्टन लाल मीणा का बहुत बड़ा हाथ था। कप्तान छुट्टन लाल मीणा का जन्म राजस्थान के अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के डाबला गांव में 28 जुलाई 1920 को हुआ था। छुट्टन लाल मीणा ने 1938 से 1951 तक 13 साल इंडियन आर्मी में नौकरी की थी। इंडियन आर्मी में रहते हुए और आर्मी से रिटायरमेंट के बाद भी छुट्टन लाल मीणा ने ऐसे ऐसे काम किए जिनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कप्तान साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। छुट्टन लाल मीणा ने इटली, ग्रीस, मिस्र, सीरिया और आयरलैंड के मोर्चों पर युद्ध किया था। छुट्टन लाल मीणा को अपनी बहादुरी के कारण कैप्टन का उपाधि और गोल्ड मेडल मिला था। छुट्टन लाल मीणा ने सेना में कमिश्नर ऑफिसर के रूप में भी सेवाएं दी थी। कप्तान साहब की शिक्षा राज ऋषि कॉलेज अलवर से हुई थी। छुट्टन लाल मीणा ने समाज को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति दिलाई थी। सेना में काम करते वक्त छुट्टन लाल मीणा जब भी घर आते थे तो गांव-गांव धानी धानी जाकर लोगों की समस्या सुनते थे और उनका समाधान भी करते थे। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद कप्तान छुट्टन लाल मीणा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 1957 में कप्तान साहब पहली बार महुआ से विधायक बने। उसके बाद 1962 में कप्तान साहब दूसरी बार नादोती से विधायक बने। उसके बाद 1967 में टोडा भीम से चुनाव जीतकर कप्तान छुट्टन लाल मीणा लगातार तीसरी बार विधायक बने। उसके बाद 1971 से 1977 तक छुट्टन लाल मीणा सवाई माधोपुर से सांसद रहे थे। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए छुट्टन लाल मीणा ने सवाई माधोपुर और गंगापुर में यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। कप्तान साहब हमेशा ही बालिका शिक्षा और महिलाओं के सम्मान पर जोर देते थे। छुट्टन लाल मीणा कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार से सवाई माधोपुर में लिफ्ट नहर योजना के लिए फंड की मांग भी की थी। कप्तान छुट्टन लाल मीणा एक बहुत बड़े समाज सुधारक और एक बहुत बड़े राजनेता थे जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। कप्तान छुट्टन लाल मीणा अपने पद के लोभी नहीं थे। कप्तान साहब ने 1977 से 1989 तक यानी जीवन के अंतिम समय में लोकसभा व विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस का प्रचार करते रहे। 8 मार्च 1989 को दिल का दौरा पड़ने के कारण कप्तान साहब की मृत्यु हो गई। कप्तान साहब मीणा समाज के एक बहुत बड़े महापुरुष थे। कप्तान साहब ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित किया था। भले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वर्तमान में मीणा समाज के सबसे बड़े राजनेता माने जाते हैं, परंतु छुट्टन लाल मीणा का योगदान मीणा समाज कभी भी नहीं भूल सकता। तो ये थे महानायक कप्तान छुट्टन लाल मीणा। दोस्तों, अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।